गए तब उन्होंने ये कहा था, मैं यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, उनका गंगा माँ से क्या रिश्ता है वो आज तक किसी को पता नहीं चला है और कभी पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मैं सच बोलूंगा, मैं गुजरात से आया हूँ, नर्मदा का बेटा हूँ और यहाँ मुझे जनमंच वालों ने बुलाया है, यहाँ मैं बात रखूंगा, किसानों की बात रखूंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हो रहा है उनकी बात रखूंगा, मैं नर्मदा माता की बात रखूंगा। गुजरात की सबसे बड़ी जीवादोरी जो थी वो था वहां का नर्मदा बंध। 31 तारीख को हमारे गुजराती भाई जाने वाले हैं, एक बड़े स्टैचू हमारे लिए आदरणीय सरदार पटेल जी, आज भी हम उसका बहुत आदर करते हैं, मानते हैं, लेकिन उस नाम का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं 31 तारीख को जहां पे स्टैचू बनाया है उनका। वो बन जो बना था वो गुजरात के किसानों की जीवादोरी थी, उस वक्त की सरकारों ने ये सोच के वो बनाया था कि ये गुजरात के किसान यहाँ पे ये पानी से सिंचाई करके जी सकेंगे, उनके परिवार जी सकेंगे। आज वो हालत वहां पे कर दी है कि किसान को तो सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, हजारों करोड़ों रुपयों से बनाई गई वो जो कैनाल है जो पानी बहाने का काम करती थी, जो किसानों के लिए थी, किसानों की जमीन पे बनाई गई थी, मुफ्त के पैसों से जमीन खरीदी थी वो कैनाल बनाने के लिए, और किसानों ने बहुत उत्साह के साथ उस वक्त की सरकारों को अपनी जमीन ले दी थी कि ये जमीन पे अगर कैनाल बनेगी पानी आएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियां उस पानी से, हमारी बची हुई जमीन से अपनी जिंदगी आराम से समृद्धि के साथ जी सकेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कैनालों में पानी बहता है लेकिन वो जाता है वहां के उद्योगपतियों को। गुजरात मॉडल की बात हुई, कहा गया अभी भी कह रहे हैं कि देश का ग्रोथ इंजन गुजरात है और जो गुजरात का एरिया है वहीं से मैं आ रहा हूं। दहेज आपने सुना होगा, जो बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, दहेज पे जहां नर्मदा नदी समंदर से मिलती है वहीं से मैं आया हूं, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है और मेरी मृत्यु भी वहीं होगी, मैं दफन भी उसी मिट्टी में होने वाला हूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बहुत ही बड़ा बेइंसाफ जुल्म अत्याचार जो हुआ है वो सबसे ज्यादा गुजरात के उसी एरिए के किसानों पे हुआ है। मैं 2 मिनट में अपनी बात रख के खत्म कर रहा हूं मैं अपनी बात। वहां पे गुजरात में जहां अभी ये बुलेट ट्रेन की बात हो रही है तो दादा माफ करना, लेकिन यहाँ पे जो बात हुई वो जमीन छीनने की बात हुई है, मैं कुछ और बात बता रहा हूँ। यहाँ जमीन छीनने की बात नहीं हो रही है, हमारे गुजराती भाई साहब जमीन छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा टपका अगर हमारे पास है तो हम आज गर्व से कहते हैं हम किसान है, वो हमारी किसान होने का गौरव अस्मिता छीनने की बात कर रहे हैं। कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, कृषि प्रधान देश है, उस कृषि प्रधान का टपका हटाने की बात कर रहे हैं, किसानों को हटाने की बात कर रहे हैं। ये बुलेट ट्रेन नहीं है, बुलेट गोली है, किसानों के आज के किसानों के सीने से होती हुई आने वाली पीढ़ियों तक को खत्म करने वाली ये बुलेट ट्रेन। बहुत सारी बातें हुई है, ये बुलेट ट्रेन जहां से जा रही है गुजरात का, वो जो 3 स्टेट में से जा रही है उसमें गुजरात में से उस डिस्ट्रिक्ट का मैं हूं, वहां का जो एक गांव है, पूरे बुलेट ट्रेन जहां से जा रही है 3 स्टेट में उसी में एक गांव ऐसा है कि जिस गांव में और किसानों की जमीन, खेती की जमीन नहीं जा रही है सिर्फ, लेकिन वो पूरा गांव जहां लोग बसते हैं बरसों से, अपने पुरखों ने मकान बनाए हैं, मंदिरें बने हैं, मस्जिदें बनी है, स्कूलें बनी है, अस्पताल बनी है, वो सबको मिटा के जा रहे हैं। शायद कृष्णकांत भाई के पास उसका मालूम है, वो गांव में से जा रही है। हमने वहां अधिकारियों से पूछा कि आप ये सब ले जा रहे हैं बुलेट पे, अच्छी बात है, क्या करोगे इनका, कहां बसाओगे?
ये पुरखों का मकान बनाया है, बहुत मेहनत से बने हैं, अब क्या करोगे उसको, क्या दोगे? बहुत ही दुख की बात है। बहुत गर्व से वो अधिकारी ने हमें बताया था कि हम पैसा देंगे, मुआवजा देंगे। क्या मुआवजा देंगे? जंत्री की रकम देंगे। जो जंत्री की रकम 5 स्क्वायर फुट वह 2530 रुपया है। वो पुरखा अपने आज की कीमत से वो टेबल भी नहीं खरीद सके, वो कीमत वहां मकान की देने की बात कर रहे। वो बुलेट ट्रेन एक वहां से जा रही है उसी डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात का ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, मैं जहां से आया हूं वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि ये गुजराती भाई साहब ने हमारे, ये हमारी गलती से आ गए। हम लोग मानते हैं ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारी गलती से ही आ गए, आज सब परेशान है, हमारी गलती से परेशान है। वहां से बुलेट ट्रेन जा रही है, एक्सप्रेस वे जा रहा है। उन्होंने एक नई योजना बना दी PCPR सर के नाम से। दादा उसमें क्या हो रहा है, वो किसानों से जमीन ले रहे हैं 50% जमीन तो बिना मुआवजा, किसी को देने का ही नहीं, किसान को पूछने का नहीं। बहुत पहले गुजरात में एक स्टेट का कानून था, टाउन प्लानिंग है, उसको कॉपी पेस्ट के उस कायदे में लगा के उसी कायदे के हिसाब से बिना पूछे, ना पंचायत को पूछने का, ना किसान को पूछने का, वहां की ना कोई किसी संस्था को पूछने का, वो सीधा अधिकारी जाएगा, अथॉरिटी का कूट लगाएगा, जमीन ले लेगा, 50% जमीन अपने आप करेगा, 50% जमीन किसान के रहने देगा, वो वहां पे डेवलपमेंट करेगा, रोड बनाएगा, रास्ता बनाएगा, वहां वो किसान खेती ही नहीं कर पाएगा बाकी बची जमीन से। और उस जमीन को अगर किसान को कुछ करना है तो उसके ऊपर उस जमीन की आज की जो मार्केट वैल्यू है उसका पैसा वहां पे देना पड़े, उसका पैसा मतलब में वो अपनी जमीन बाकी है वो भी खरीदनी पड़े। ऐसी एक योजना लाके खड़ी कर दी है। 7 सालों से हम उसके सामने लड़ रहे हैं। वो अपना बता रहे थे कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन वहां के किसानों के दुआ से, मेहनत से, आशीर्वाद से, और ये कृष्णकांत भाई जैसे जुड़े हुए क्रांतिकारी लोगों की मदद से हम आज तक उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने दे पाए। तो ये एक तो PCPR है, एक बोदा है। PCPR में 45,000 हेक्टर जमीन जा रही है, 44 गांव उसमें इफेक्टेड है। बोडा है वो 79 villages इफेक्टेड है। उसके बाद ये बुलेट ट्रेन है, एक्सप्रेस वे है, एक गोल्डन कॉरिडोर है। और सबसे बड़ी बात है, प्रकाश कारत जी है या? तो बारबूट बैरेज योजना एक है, सुना होगा आप लोगों ने नाम, जो नर्मदा नदी पे बना रहे हैं उद्योग। बात तो है किसानों के फायदे की, वो अच्छी करते हैं, लेकिन उद्योगों को पानी देने के लिए तो वहां पे जो एक मछली है, हमारे यहाँ माछी मार भाई वहां बसते हैं, जिनकी आवक का मुख्य, रोजी रोटी का मुख्य स्रोत वो मछली है जो बंगाल में रहती है और यहाँ पे मिलती है इंडिया में, हिलसा मछली, वो खत्म हो रही है। वो पानी को, समंदर का पानी अलग करने के लिए वह बांध बना रहे, एक भरपूर बैरेज योजना। दूसरा जो है उनका प्रोजेक्ट कल्पसर योजना, बहुत सारी नदियों को इकट्ठा करके। तो ये सारी 7 योजनाएं भरूच डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में लगा के, गुजरात में सारे किसानों, भरूच डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी किसान की जमीन है वो सारी जमीन को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा ही उनका गुजरात के दूसरे स्टेट में भी, दूसरे जिलों में भी हो रहा है। आज ये जनमंच के मंच से हम किसानों की बात का अपनी तरीके से रखने का एक हमें मौका मिला है, तो इसके लिए मैं बहुत ही उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे जो पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, उन्होंने समर्थन का वादा किया है। मैं यही चाहता हूँ कि ये जो बात है किसानों की, किसानों को खत्म करने वाली, उस बात को संसद तक घूमने, हम रोड पे तो उसको गुजारने के लिए लगे हुए हैं, वो अपना काम संसद नहीं करे, इतनी बात। धन्यवाद। थैंक यू याकूब भाई। हमारा यहाँ जो महाराष्ट्र